बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 16 क्वेश्चन 5। मिस्टर सलीम हसन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st जनवरी 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। रिक्वायरमेंट है असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन राइट ऑफ 2800 फ्रॉम सनी डेटर्स। बाकी सारा सवाल सेम है पिछले चार सवालों की तरह। इसमें एक नई चीज़ आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ओनर जो है, ये पिछले कई सवालों में आ चुका है, फाइनल अकाउंट में भी आया कि ओनर कहता है कि मैं जो बिज़नेस को सरमाया दूंगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जेन में ले आए, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा। तो हम क्या करते हैं कि बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ओनर का जो कैपिटल है उसमें ऐड कर देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो इसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। अभी आपने ये अज्यूम करना है, पिछले सवालों में हमने पढ़ा था कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल अगर ये ओपनिंग से बढ़ जाता है तो इसकी दो वजूहात हमने पीछे देखी। एक देखी वजह एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी साल के शुरू में उसने 50,000 लगाया और अब हो गया लाख, तो अज्यूम कहते हैं कि उसने 50,000 ही और लगा दिया। तो ये देखें, आपका साल के शुरू में कैपिटल और था, साल के दौरान उसने 50,000 और लगा दिया, तो ये 100,000 हो गया। और एक वजह हमने पढ़ी थी कि प्रॉफिट की वजह से कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है, या और पैसा लगाया जाए तब बढ़ता है, या प्रॉफिट की वजह से बढ़ता है। तो हमने ये जो इफ़ेक्ट है एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाला, इसको निकाल दिया था। क्या किया था कि जो क्लोजिंग कैपिटल था उसमें से ये फैक्टर अगर हम निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, प्रॉफिट वाला एलिमेंट, जो कि हमारे सवालों की रिक्वायरमेंट थी। अब एक तीसरी चीज़ आ गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप इसमें ऐड कर लें कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वो तीन वजूहात से बढ़ सकता है। एक वजह ये हो गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक हो गया प्रॉफिट, और एक तीसरी लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आपने क्या करना है कि क्लोजिंग कैपिटल में से ये भी माइनस कर देना है और ये भी माइनस कर देना है, तब आपका ये जो प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ठीक है, ड्राइंग का तो आपको पता ही है कि आप ड्राइंग जो है वो ऐड कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, यानी आपने कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को और क्लोजिंग कैपिटल को जब कंपेयर करना है तो क्लोजिंग कैपिटल में सारे जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इग्नोर कर देने, यानी उनको अगर उसमें से माइनस हुए हैं तो ऐड कर देना है, अगर कोई चीज़ उसमें ऐड हुई है तो उसको निकाल देना है। सिर्फ जो बिज़नेस की वजह से वो बढ़ा है उसी को देखना है। ठीक है, ये जो अदर फैक्टर हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, ये एडिशनल फैक्टर हैं, यानी ये बिज़नेस ऑपरेशन से इनका ताल्लुक नहीं है, ये सेपरेट चीज़ें। ड्राइंग जो है ये जो पैसा वो बिज़नेस से निकाल लेता है, एडिशनल जो निकालता है, और ये भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये उसके बिज़नेस में एक तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इसको इंटरेस्ट मिल रही है वो उसके कैपिटल में ही ऐड हो रही है, और ये भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही है। अब हम नया फार्मूला बनाते हैं इसका, बल्कि नया नहीं है, उसी फार्मूले में थोड़ी सी हम एडिशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसी तरह इसमें हमने क्या किया था, ड्राइंग ऐड कर दिया था, फिर जो पैसे उसने निकलवाए हैं उसको अज्यूम करें कि उसने नहीं निकलवाए, तभी कंपैरिजन बन सकता है।
अब इसमें से आपने माइनस कर देना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ये भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन ये बिज़नेस के रिसोर्सेज से ही उसको निकाल के उसके कैपिटल में से ऐड कर दी गई। तो इसको आप लिख सेपरेट लिख लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा, ये जो नया आएगा कैपिटल, इसको हम कहेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको कंपेयर कर लें ओपनिंग कैपिटल से, तो जो भी क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, ओपनिंग ज़्यादा होगा तो लॉस। ये अब हम इसमें से देखते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल, और ये है 50,000, ये मैं इधर लिख देता हूँ 50,000। इसी तरह उसने लिखा है ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, ही बोरोड रुपीज़ 30,000 फ्राम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर एट द रेट 10% एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 19,000। तो एडिशनल कैपिटल जो हो गया 19,000 हो गया। अब हम इसको देखते हैं और ड्राइंग देखते हैं। उसने लिखा ही हैड विदड्रॉन रुपीज़ 1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हिज ओन एक्सपेंसेस, फॉर हिज ओन अमाउंटिंग, सॉरी, ही हैज़ विदड्रॉन रुपीज़ 1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। 1,800 रुपया वो क्या करता है, अपने घर के जो अखराजात है चलाने के लिए निकाल लेता है हर महीने। तो आप क्या करें, 1,800 को 12 से पूरे, यानी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दें, 1,800 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ गया 216,000। अब पीछे रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हम देख लेते हैं। एक तो कैपिटल उसका साल के शुरू में लगा है, ये है, इसके साथ आप ऐसे वर्किंग लगा दें, N1 कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो ये हो गया कैपिटल एट द बिगनिंग, इसके ऊपर इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर आप ले लें 10%, तो ये आ गया 5,000। ये 3,20 उड़ा दें पीछे 5,000। इसके बाद उसने लिखा है इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 19,000। उसने 1 अप्रैल को और कैपिटल जो लगाया ये 19,000 रुपये, इस पर भी ज़ाहिर इंटरेस्ट देंगे हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये था 19,000, इसके ऊपर आप ले लें 10%। अब कितने महीने हुए हैं, अप्रैल से दिसंबर तक गिन लें, तो ये है अप्रैल, यानी 9 माह बनते हैं, 9/12 कर लें, तो 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 9/12, तो ये आ गया 1,425। तो दोनों को ऐड किया तो 6,425 आ गया, इधर लिख दें 6,425। अभी कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ एक हिस्सा रह गया, इसका हमने ऊपर नाम भी लिख देना है कैलकुलेशन। पहले इसका नाम लिखें, ये है सलीम हसन, सलीम हसन, आगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और नीचे पीरियड लिखिए, ये है फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। ये हमने मालूम करना, अब क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। इधर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स,
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इधर लिखते मिस्टर सलीम हसन। Assets. अभी इसके साथ भी आप लिख दीजिए N1 हमने ये नीचे यूज़ किया है। अभी हम जब क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे उसके साथ ही आप N2 लिख दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 1200। आगे है कैश एट बैंक 1200 sundry debtors हैं आपके 28800। और नीचे उसने लिखा हुआ है राइट ऑफ करें बैड डेट्स, राइट ऑफ रुपीज़ 2800 फ्रॉम सन्डी डेटर्स। तो इसको आप लिख दें बैड डेट्स 2800। 26,000 आ गया। आगे है स्टॉक 40,800, बिल रिसीवेबल 9600, सन्डरी क्रेडिटर 3000, आगे रेंट ड्यू लाइबिलिटी है ये 900। आगे आइए, इधर उसने लिखा है ही इमीडिएटली परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000। फर्नीचर खरीदा है 12,000 रुपये का, फर्नीचर 12,000 का, और इस पर डेप्रिसिएशन ले लें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10%। तो ये आ जाएगा 1200, इसको माइनस कर दें 10800। अभी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन ले ली। आगे उसने लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने इधर लिख दी। इसके बाद उसने लिखा इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। तो आप देखें मिस्टर नासिर का लोन है 30,000, तो आप इधर लिखिए नासिर लोन। मिस्टर नासिर लोन 30,000, और इसके ऊपर इंटरेस्ट देनी है हमने, इंटरेस्ट पेबल 10% है, तो ये आ जाएगा 3,000। अच्छा लोन देख लें कब लिया है। उसने लिया है ऑन 1st अप्रैल 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो ये आ जाएगा 2250। इसके बाद बैड डेट्स हो चुके हैं, राइट ऑफ 2800 बैड डेट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बैलेंस करते हैं। तो ये जो है ₹1200 + ₹1500 आ रहा है जी 104,000।
टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो पीछे कैपिटल निकल आएगा। और जो आपका जवाब आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 11,67,850, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब आप इसके साथ वो जो हमने ऊपर दिया था नोट N2, ये भी लिख दें। अब ये आंसर इधर ले जाएं, 67850, ये आपके जो है तमाम चीज़ें कंप्लीट होगी। एक मिसिंग है तो इनकी मदद से हम ये भी मालूम कर लेते हैं, 67850 प्लस 21600 माइनस 19000 माइनस 6425 ये आ गया 64025। अब आप कंपेरिजन कर ले दोनों का। क्लोजिंग कैपिटल अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट, अब ये बढ़ गया है, पहले ओपनिंग था 50,000 और ये क्लोजिंग हो गया 64,025। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14025। ये आपकी बुक में भी जो आंसर दिया है ये 14025 है। ये कोई चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।